गीता के पेज नंबर 94 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म है, धर्म की रक्षा करना है और तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी, इसमें कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा। अगले श्लोक में बोलते हैं, ऐसा तेहा भीता सांखे बुद्धिर्योगे तुईमा श्रीनु बुद्धया युक्तो याया पार्थ कर्म बंधना पर्यायसी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण अब उन्हें अर्जुन को निष्काम कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। वैदिक कोश नृत्य के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा बंधु बांधवों का परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक खुशी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। तो ये इंद्रिय तृप्ति है, आँख कान नाक त्वचा जीव, इनको जो तृप्त करते हैं, इनको जो संतुष्ट करते हैं, इनको जो सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंद्रिय तृप्ति। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकलो अर्जुन, अब तुम्हें युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करना है। नेहाभ्री कर्मनाशोषसि प्रत्याशवायो ना विद्यते स्वालपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। जो भी कर्म करो वो भगवान के लिए करो, तब तुम्हारा कर्म पूजा बन जाएगा। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। तो जो कर्म आप भगवान को समर्पित करके करेंगे, वैसा कर्म का कभी भी विनाश, कभी भी डिस्ट्रक्शन, कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी अस्थाई प्रभाव डालता है, अतः ऐसे कर्म करने वालों को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न हो। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ तो उसका स्थायी फल होता है। तो जो काम भगवान को समर्पित करके किया जाता है, भले ही वो काम पूरा ना भी हो, फिर भी उसका फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ये अर्जुन को बता रहे हैं। अतः अगली बार 2% से शुभारम्भ होगा। तो जो आप काम छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो काम चालू होता है तो भी आपको 2% लाभ उसका मिलेगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो,
तब तक कोई लाभ नहीं होता। जब भी कोई भौतिक काम के लिए कर्म किया जाता है, जब तक तुम्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा, पूरा कर्म नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कर्म भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, वो काम 2% भी अगर थोड़ा सा भी करके ख़त्म कर दिया जाए, फिर भी वो काम पूरा हो जाता है। तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलेंगे, ये कल समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।